डीएनए टेस्ट करवाना है। बिना डीएनए टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कैसे अरेस्ट किया गया? तो गलत हो रहा है इनसे। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होके होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए सर। स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे राजू नाम का लड़का है, उसके साथ लड़की का अफेयर था। अगर लड़की 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है तो कैसे उसकी माँ को नहीं पता चलेगा? पीछे राजनीति हो रही है, सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है। लड़की वाले आके हम लोगों को बताए होते तो हम लोग खुद लड़की वालों के साथ खड़े होते। जमीन पे बुलडोजर चल रहा है, वो मोहित खान के नाम पे है नहीं, जिसके नाम पे जमीन है वो NRI है। हम इस वक्त मौजूद हैं वहां जहां पर है मोहित खान समाजवादी पार्टी नेता का घर। ये घर आप देखिए समाजवादी पार्टी नेता का है और यहां पर तमाम जो घर वाले हैं वो एकत्रित हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उनके मोहित खान के भतीजे हैं, क्या नाम है आपका भाई? उनके भाई हैं आप, क्या नाम है? आफ्ताब। आफ्ताब, क्या देखते हैं पूरी कार्रवाई को आप, जो भी एक्शन कल हुआ है, जो भी आरोप लगे हैं? तो गलत हो रहा है इनसे, आप उसकी डीएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और जो गलत है दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, बस सिर्फ बस हमारा ये मांग है। और बिना रिपोर्ट के हम लोग को घर गिराया जा रहा है। नहीं, बैकरी गिरा दी उसको, हम लोग बुलडोजर भी चला दे रहे हैं। बस ये हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और डीएनए टेस्ट की मांग है बस, सिर्फ बस। लड़की के परिवार की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं उसको आप क्या कहें? उसके साथ हम लोग हैं, जो होगा उसके साथ में हम लोग करेंगे मदद, बस ये हमारा कहना है। क्योंकि वहाँ भी तमाम लोगों को नोटिस दिया गया है, जो दुकानदार है वो खाली भी कर रहे हैं दुकान। उसके बारे में और कौन है आप परिवार से हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा सर, हम लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए और डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होके होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए सर। ये नाजायज हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। एक तरफा न्यूज दिखा करके उसको बात को इतना बढ़ा दिया गया है। नहीं, आप लोगों का पक्ष इसलिए लेना है? नहीं, आप हमारा पक्ष लेने आए हैं, इससे पहले हमने बोला था, लेकिन हमारा पक्ष मैं आज ही आया हूँ। हम आज ही आए सर, आप मेरी बात सुनिए, इससे पहले हम लोग भी बोले थे लेकिन हमारा पक्ष नहीं चला। अभी आप बताइए ना क्या बात। अभी ये बताया जा रहा है कि लड़की जो थी, लड़की का उस लड़के के साथ, जो राजू नाम का लड़का है, उसके साथ लड़की का अफेयर था। राजू जो उनके साथ रहते थे? जी जी, जो बैकरी में लड़का था। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र होगी 20 साल। लड़की का अफेयर था उसके साथ। अगर लड़की 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है तो कैसे उसकी माँ को नहीं पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है? तो आप जैसे बता रही हैं, जो आप पक्ष दे रही हैं, तो राजू जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है, तो राजू ने क्या पुलिस को ये बात बताई? जी, राजू ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चचा की कोई गलती नहीं है, चचा जो बेकसूर है, सिर्फ उनकी इतनी गलती है कि मैं उनकी बेकरी में काम करता हूँ। लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी बात कोई, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो परिवार जो है वो तो परिवार को झूठ बोल रहा है। परिवार कौन झूठ बोल रहा है? जो लड़की का परिवार। लड़की का परिवार झूठ बोलेगा? उसको पैसे, उसको राजनीति चाहिए। पीछे राजनीति हो रही है, सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है। सपा का टैग लगा बीजेपी। 6 साल पहले वो नगर अध्यक्ष बनाए गए थे मोहित खान। जी जी। और नगर राजू भी क्या समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं? राजू का समाजवादी से कोई संबंध नहीं, राजू नौकर है इनका, सीतापुर का रहने वाला, बेकरी में नौकर है, बेकरी में नौकरी कर। राजू का कोई स्टेटस नहीं है, इसी वजह से नाम नहीं लाया जा रहा। इसलिए सिर्फ जोड़ा गया इस केस से कि ये समाजवादी से जुड़े हुए हैं और इनको मौका मिल गया कि राजू उनके बेकरी में काम करता था और राजू का उनके बेकरी में काम करने के अलावा हमारे घर से कोई उसका रिश्ता नहीं है, हमारे घर से कोई उसका रिलेशन नहीं वालों ने उसको देखा भी। अगर लड़की को राजू से प्रॉब्लम थी, अगर लड़की वाले आके हम लोगों को बताए होते तो हम लोग खुद लड़की वालों के साथ खड़े होते। सर, हम लोग लड़की वालों के साथ खुद खड़े होते अगर उसके साथ गलत हुआ है। उनकी लड़की वैसे हम लोग की बहन बेटियाँ, सही बात है। परिवार से कौन कौन है? परिवार से कौन है? और आइए आइए, आपके क्या लगते हैं? हमारे भाई लगते हैं। भाई लगते हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार खान। पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ये सरासर गलत है और नाजायज है। जो भी हो रहा है ये राजनीतिक की वजह से हो रहा है, समझे? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी चेयरमैन ही हार चुकी है,
और आज तक गवर्नमेंट बनी नहीं है, लोकसभा हार चुका है, इस वजह से दुश्मनी निकाली जा रही है। तो आपको जैसे कि जमीन पे बुलडोजर चल रहा है, वो जमीन मोहित खान के, नाम पे है नहीं, जिसके नाम पे जमीन है वो NRI है। कौन है, किसके नाम पर जमीन है? महमूद खान, यहाँ रहते हैं, यहाँ लंदन में है, किराएदार पे रहते थे, बस किराएदार के हिसाब से रहते थे। मोहित खान जो है किराएदार के हिसाब से रहते हैं, वो भी प्रॉपर्टी मोहित खान के नाम नहीं है, वो भी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम है, लंदन वालों के नाम। आप उसकी कॉपी निकलवा लीजिए, खेतौनी निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा किसका क्या है। और ये सब सिर्फ राजनीति की वजह से सरासर ये नाजायज किया जा रहा है। आप जाँच करवाइए, अगर दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और दोषी नहीं है तो जो इसमें चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो कोई भी हो उसको उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप लोग को ये पता कैसे चला, जब पूरी घटना हुई एकदम से तो हुआ नहीं होगा, जब 29 जुलाई को पता चला कि रिपोर्ट किया गया, आप लोगों को क्या क्या बताया पुलिस ने? हम लोगों को तो पुलिस ने कुछ बताया ही नहीं है अभी तक। तो किस तरह से अरेस्टिंग हुई है मोहित नहीं हुआ है, बुलाया गया था, वो खुद घर से चलकर गए हुए हैं। एसओ साहब ने फोन किया कि जो है आपके खिलाफ ऐसे ऐसे है, यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप आ जाइए, कुछ बात करनी है। वो हमारे घर से हमारा जो है भतीजा उनको खुद ले जाकर थाने पे छोड़ा गया, वो वहाँ पे गए थाने पे, उसके बाद उनको जो है जेल भेज दिया गया। कभी फिर वहाँ से घर नहीं आया, वहाँ से घर वापस ही नहीं आए। ऐसा थोड़ी होता है, जब ये मामला हुआ था तब वो थाने चौकी पे बैठे थे, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है करेंगे, और किसी बेकसूर को सिर्फ ये जेल में डाल देंगे। राजनीतिक दुश्मनी है ये, समझिए, और वो ऐसे आप क्या बगैर जांच के कैसे अरेस्ट कर लिए हैं? बगैर जांच के कैसे अरेस्ट कर, बिना DNA टेस्ट करे बुलडोजर चलवाया गया है, DNA टेस्ट करवाना है, बिना DNA टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कैसे अरेस्ट किया गया? कुछ उनको चढ़वाए जाए, कुछ है वो स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे इनकाउंटर करवाओ वो नाम से डाल रहे, वो कुतुरवार है, कुतुरवार है वो, उनको जिनका मिलना चाहिए, जिसका कुतूर है उसको अरेस्ट नहीं करा गया है, सिर्फ राजनीति खेली जा रही है लड़कियों का, ना जाए हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आप ये समझिए, आप ये समझिए, हाँ भैया बेकसूर तो है ये, अब गलती लड़की खराब है, लड़की खराब है, अब ये महा ऊपर वाले जाने कि क्या हुआ, हमारे सबका पता ही ना है ना ये सब।